नजर आ रहा है कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल रह चुके, अब चला चली के बेला में वो कितना पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बन करके अपने पुत्र के लिए कितना जनता को झूठा आश्वासन देंगे। जातीय उन्माद को इन्होंने हवा दिया था, हुआ फेल कर गया। उनके समाज के लोग सभी बिहारी अब उनके बातों पर विश्वास नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि 2024 में मोदी और योगी का अंत हो जाएगा, जिसको लेकर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं जो जमकर तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिख रहे हैं। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि इन लोग सिर्फ बोलकर हवा बनाते हैं, इनको दो बार उप मुख्यमंत्री रहने का मौका दिया गया लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। वहीं विजय कुमार सम्राट चौधरी ने भी साफ तौर पर कहा है कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का हक है। पहले क्या कुछ कर रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम, पहले सुनो उनकी बातों को। यादव ने कल एक बयान दिया, कहा कि 2024 में मोदी युग का अंत हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में, उनको याद ही नहीं आ रहा है कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है सिर्फ अपने लिए जीने का काम है। बोले पिता के बरबोले पुत्र हैं, ये सिर्फ हवा बनाने का, बोली से पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यही है कि जिस जातीय उन्माद को इन्होंने हवा दिया था वह फेल कर गया। उनके समाज के लोग सभी बिहारी अब उनके बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि दो बार उप मुख्यमंत्री रह चुके और कोई इनका विजन नहीं है, कोई इनके द्वारा ऐसा काम बिहार में नहीं किया गया कि बिहारी का सम्मान बढ़े, बिहारी का माहौल देश के अंदर नहीं बना सके। इसलिए ये परिवारवादी जमींदारी व्यवस्था लगाना चाहते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर ऐश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बातों पर कोई विश्वास और ध्यान नहीं देता। पासी समाज को लेकर के लालू यादव कह रहे हैं, पासी समाज को अपील किया है कि आप सरकार बनाइए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल रह चुके, अब चला चली के बेला में वो कितना पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बन करके अपने पुत्र के लिए कितना जनता को झूठा आश्वासन देंगे। सच को तो अंतिम समय बोल दें कि बिहार की बर्बादी के लिए, बिहारियों के अपमान के लिए अब उनको क्षमा मांगना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। बिहार की जनता, ये परिवार जब तक बिहार के राजनीति में रहेगा, बिहारी का सम्मान कतई नहीं बढ़ेगा। आपने सुना दोनों डिप्टी सीएम किस तरह से तेजस्वी यादव पर जमकर बरसते हुए दिख रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का हक है, और वहीं विजय कुमार सिन्हा साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि इन लोग सिर्फ हवा में बोलते हैं और इनको दो बार मौका दिया गया उप मुख्यमंत्री का लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। तमाम खबर बनाए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।